तो आज लंच में बनाई हुई है मैंने ये वेज स्पेशल थाली, जिसमें भिंडी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, रायता, रोटी, चावल सब कुछ बनाया हुआ है मैंने। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीकेंड डेज़ में मैं फुल खाना बनाऊँ, क्योंकि वर्किंग डेज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं ज़्यादातर सिंगल सब्जी, रोटी या राइस बनाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, फिर इतना थकान हो जाती है कि लगता है कि छोड़ो क्या पूरा खाना बनाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे के दिन मैं फुल लंच बनाऊँ, मतलब सजा कर थाली खाऊँ। तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भिंडी की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। भिंडी को आपको 4 फाके में कट कर लेना है। उसके बाद मैंने इसका मसाला बनाया। मसाले में धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर कटी हुई भिंडी में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने जीरा और प्याज फ्राई की है। फिर भिंडी को डाल के इसको अच्छे से भिंडी को इसमें फ्राई कर लेना है। ये भिंडी की सब्जी ना बहुत ही अच्छी लगती है, कुरकुरी सी। मतलब मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। फिर यहाँ मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल भी मैंने बनने के लिए चढ़ा दी है। और यहाँ मैं बैंगन की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बैंगन की सब्जी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसको मैंने सोशल मीडिया में ही देखा हुआ है, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो बनाकर ट्राई करते हैं कैसी बनती है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो सबसे पहले आपको बैंगन को ऐसे गोल गोल स्लाइस में कट कर लेना है। फिर इसमें बीच में छेद या ऐसे चीरा आप लगा सकते हो। फिर इसमें मसाले में डिप करना है। ये मसाला वही भिंडी की सब्जी वाला मसाला मैंने लिया है। इसमें बस मैंने एक्स्ट्रा सूजी ऐड की है। आपको ऐसे ये जो बैंगन के स्लाइस हैं, इनको अच्छे से मसाले में डिप कर ऐसे थोड़ी देर को रख कर छोड़ देना है। और यहाँ मेरी भिंडी की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, तो मैं इसे अलग निकाल कर रख रही हूँ। और फिर मैंने इसी कढ़ाई में ऑयल गरम करके बैंगन को फ्राई किया है। तो बस यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल को गरम होने के बाद इसमें मैंने बैंगन को एक एक स्लाइस करके फ्राई किया है। और ये बैंगन की सब्जी ना बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अगर आप बैंगन की नॉर्मल वही सब्जी और भरता भरवा बनाकर खाते खाते थक गए हो, तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। 100% श्योर हूँ मैं कि आपको भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। और बस यहाँ बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये वैसे बंगाल की डिश है, इसे क्या कहते हैं, मतलब इसका क्या नाम है, ये मुझे नहीं पता है। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मेरी बैंगन की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं फ्राई कर रही हूँ दाल। तो इसमें मैंने जीरा, हींग, अजवाइन, प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। लहसुन भी डाली हुई है। फिर मैंने इसमें दाल को डाल दिया है और फिर धनिया पत्ता से गार्निश कर ली है। और यहाँ मैं रायता बनाने की तैयारी करती जा रही हूँ साथ साथ। और ये मेरी दाल बनकर तैयार है। ये पूरा खाना, मतलब पूरी वेज थाली मैंने 1 घंटे में बनाकर रख ली थी। वैसे मैं ज़्यादा काम में प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्लो हूँ, क्योंकि घर में मैं ऐसे पूरा खाना नहीं बनाती थी। तो लखनऊ में मैं अकेले बाहर रह रही हूँ, तो सब कुछ बनाना पड़ रहा है, तो सब धीरे धीरे सीख गई हूँ। तो यहाँ मेरी लंच बनकर तैयार है। ये मेरी वेज थाली देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।